नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो को लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति में दो वाक्य हम लोग बचपन से सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जीवन में कितना उतारते हैं, और वो दो सुंदर पंक्तियां हैं, वो हैं विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम। इन दो पंक्तियों का यदि मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी। देख के पढ़ने की अनुमति चाहूंगा। नॉलेज गिव्स ह्यूमिलिटी, फ्रॉम ह्यूमिलिटी कम्स वर्दीनेस, फ्रॉम वर्दीनेस वन अटेन्स वेल्थ, फ्रॉम वेल्थ कम राइचियसनेस, एंड फ्रॉम राइचियसनेस कम हैप्पीनेस। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विनयशील बनिए, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, आप व्यवसायी हैं या किसी नौकरी में हैं। विद्या यदि आपका आभूषण है और आप में विनयशीलता नहीं है तो वो आभूषण अधूरा है। विद्या के साथ विनय को प्राप्त कर लेना ही विद्या को सार्थक बनाना है। मित्रों, जब हम किसी का सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर करते हैं, हमारी संस्कृति में कहा गया है अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कीजिए तो शायद आपका जीवन सार्थक होगा, और मैं इन पंक्तियों में पूर्णतः विश्वास करता हूं। यदि आप उम्र में अपने से बड़े, शिक्षा में अपने से बड़े, ज्ञान में अपने से बड़े, लेकिन उम्र में अपने से बड़े को मैं सबसे पहले रखूंगा, झुककर नमन करके चरण स्पर्श करते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को निखारता है। करना चाहिए। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते तो हम अपने आप में अपूर्ण हैं। मैंने अपने से उम्र में बड़ों के लिए कहा है, लेकिन यदि अपने समकक्ष या जो हम उम्र हैं, या यदि अपने से छोटे भी हैं, यदि हम उनको हाथ जोड़कर नमन करते हैं तो ये आपकी महानता बढ़ाता है, आपकी विद्या को सुशोभित करता है, आपकी विनयशीलता को सुशोभित करता है। लेकिन मेरा मकसद आज दो अलग अलग शब्दों में विभेद करना है। एक होता है विनम्रता, झुककर नमन कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, जो आपके मानव जीवन का एक मुख्य आभूषण है। लेकिन दूसरा होता है चाटुकारिता। आप सब अच्छी तरह समझते हैं चाटुकारिता का मतलब क्या होता है, मैं इसको इलेबोरेट नहीं करना चाहूंगा। चाटुकारिता में भी व्यक्ति चरण स्पर्श करता है, और मैं कहूंगा चाटुकारिता के लिए व्यक्ति चरण स्पर्श की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और जब निजी स्वार्थ से, शुद्ध स्वार्थ से, भौतिक प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और सबसे बड़ा आज के जमाने में पद प्राप्ति के लिए आप किसी के चरणों में नमन करते हैं तो वो विनम्रता नहीं, वो चाटुकारिता कहलाती है। बिना किसी स्वार्थ के एक अज्ञात व्यक्ति या आपके ज्ञात व्यक्तियों का आप नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करता है। लेकिन यदि कुछ प्राप्ति के लिए जहां भी निजी स्वार्थ का भाव आए तब आप विनम्रता जो प्रदर्शित करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, चरण में शीश नमन कर देते हैं, उसी को चाटुताकारिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, यदि विनम्रता, विनयशीलता किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है तो मैं ये पूर्ण आत्मसम्मान के साथ कह सकता हूं चाटुकारिता से बड़ा जीवन में कोई कलंक नहीं हो सकता। निजी स्वार्थ के लिए किसी को सम्मान ना दें, निजी स्वार्थ के लिए चरण वंदना ना करें, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ से जब आप किसी के चरणों में वंदना करते हैं वो आपकी विनयशीलता होता है। चाटुकारिता और विनयशीलता में, विनम्रता में विभेद जरूर कीजिए और समझने की भी कोशिश कीजिए। आज के जमाने में यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।